जय हिंद साथियों, मैं हूं संजय सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसबीसी। दोस्तों, आज मैं क्लास टेंथ का संस्कृत का अध्याय 6 भारतीय संस्कार, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका यह रहा कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन ए है जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन बी है शैशव संस्कार, और ऑप्शन सी है शैक्षणिक संस्कार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पूर्व संस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो आपका यह रहा कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में जो है शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है छात्र, ऑप्शन बी है ब्रह्मचारी, और ऑप्शन सी है धनुधारी, और ऑप्शन सी डी है अंतेवासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचारी कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन है आपका जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए है षट, ऑप्शन बी है पंच, ऑप्शन सी है एका, और ऑप्शन डी है त्रय। षट मीन्स होता है 6, और पंच मीन्स होता है 5, एका मतलब 1, और त्रय मतलब 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, त्रय मतलब 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार आपका ये रहा कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ऑप्शन ए है जातकर, बी है निष्क्रमण, सी है विवाह, और डी है समापर्तन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विवाह संस्कार में जो है संपन्न होती है सप्तपदी क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच यह है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ऑप्शन ए है गोदान, ऑप्शन बी है भाग्यदान, ऑप्शन सी है कन्यादान, और ऑप्शन डी है सिंदूरदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह आपका यह रहा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो वो किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए है धर्मों से, बी है संस्कारों से, सी है कर्मों से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जान लीजिए क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, संस्कारों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन आपका यह रहा कि संस्कार कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकादश मतलब 11 होता है, षोडश मतलब 16, त्रयोदश मतलब 13, और द्वादश मतलब 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट आपका यह रहा कि इनमें से कौन सा जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। निम्न में से कौन जो है जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? ऑप्शन ए नामकरण, ऑप्शन बी है पुष्पवन, और ऑप्शन सी है गर्भाधान, और ऑप्शन डी है सीमंतोन्नयन। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ आपका यह शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, और डी है 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर शैशव जो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जहां गलत हो गया तो शैशव होता है 6 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस आपका ये रहा कि इनमें से कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। इनमें से कौन जो है शैक्षणिक संस्कार नहीं है? ऑप्शन ए होगा वेद आरंभ, ऑप्शन बी है जात कर्म, ऑप्शन सी है उपनयन, ऑप्शन डी है वेद आरंभ। ए और डी दोनों एक ही ऑप्शन पर लिखा गया है, तो इसको सुधार कर लेंगे। तो चलते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जातकर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग्यारह आपका है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते थे। प्राचीन काल में जो ब्रह्मचारी जो थे, जो शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, वह वेद का आरंभ जो है कहाँ करते थे। ऑप्शन ए है गांव की पाठशाला में, ऑप्शन बी है तपोवन में, ऑप्शन सी है गुरु के घर पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु के घर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बारह आपका है कि किसान संस्कार में शिष्य का प्रथम और छोर कर्म कहाँ होता है। किसान संस्कार में जो है शिष्य का प्रथम और छोर कर्म कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए गुरु के घर में, ऑप्शन बी पिता के घर में, ऑप्शन सी नाना के घर में, ऑप्शन डी हजाम के घर में। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु के घर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 आपका यह रहा कि सीमंतोनयन संस्कार कब होता है, सीमंतोनयन संस्कार जो है कब होता है, जन्म के बाद, जन्म से पहले, युवावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जन्म से पहले। सीमंतोनयन जो संस्कार कब होता है, जन्म से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है बच्चे का यगो पवित करना, ऑप्शन बी है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, और ऑप्शन सी है गुरु के द्वारा शिष्य को भेजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए अध्ययन उपरांत, ऑप्शन ए उपनयन उपरांत, और ऑप्शन सी है विवाह उपरांत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी विवाह उपरांत, विवाह के बाद जो लोग है मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है, विवाह संस्कार में कौन सा विधि विधान जो इसमें से नहीं होता है। ऑप्शन ए कन्यादान, ऑप्शन बी है अग्नि स्थापन, ऑप्शन सी है बाग्यदान, और ऑप्शन डी है समापवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी समापवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 कि शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे, शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु जो है शिष्य को कहाँ भेजते थे। ऑप्शन ए है गांव में, ऑप्शन बी है जंगल में, और ऑप्शन सी है यज्ञ में, और ऑप्शन डी है अपने घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अपने घर पर भेजते थे शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है, अक्षर आरंभ जो है वो किस प्रकार का संस्कार है। ऑप्शन ए है विवाह संस्कार, बी है शिक्षा संस्कार, सी है उपनयन संस्कार, और डी है वेद आरंभ संस्कार। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा संस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यह है कि गृहस्थ जीवन एकमात्र संस्कार है वह है, ऑप्शन ए है शिक्षा संस्कार, ऑप्शन बी है उपनयन संस्कार, और ऑप्शन सी है विवाह संस्कार, और ऑप्शन डी है अंत्येष्टि संस्कार। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवाह संस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यह है कि अन्न प्रशासन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, अन्न प्रशासन जो है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है विवाह संस्कार में, ऑप्शन बी है शिक्षा संस्कार में, ऑप्शन सी है उपनयन संस्कार में, और ऑप्शन डी है शैशव संस्कार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी शैशव संस्कार में जो अन्न प्रशासन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका यह है कि भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, भारत में जो है व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। ऑप्शन ए है आचरण, बी है व्यवहार, सी है संस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी संस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका यह है कि संस्कार के प्राय कितने भाग होते हैं, संस्कार के प्राय कितने भाग होते हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, और डी है 8। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है। तो संस्कार के मुख्यतः जो बांटा गया हुआ 5 भागों में बांटा गया, यानी ऑप्शन आपका इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।